पिछले वीडियो में मैंने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो सेक्टर 102 है और सेक्टर 101 है उसके बारे में बताया था, और ये भी दिखाया था कि बारिश होने के बाद यहाँ पे कैसे पानी भर जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर 99 और सेक्टर 100 इसके बीच में जो ये वाला पोर्शन है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है कि पैकेज 3 खत्म होता है और पैकेज 4 यहाँ से शुरू हो जाता है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो इस पोर्शन में पैकेज 3 खत्म हो जाएगा और यहाँ से फिर पैकेज 4 शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फुट ओवर ब्रिज का काम शुरू हो गया है, वो फुट ओवर ब्रिज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पे क्या क्या काम हो गया है वो आपको ड्रोन शॉट्स में सारे दिख जाएंगे। और जब आप बसई रेलवे ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। आप सब ने मुझे मेरे रियल स्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है, मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूं, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूं, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। यहां जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 और 4 का जो बाउंड्री होगा, जहां पे पैकेज 3 कनेक्ट होगा पैकेज 4 के साथ, वो वाला पूरा सेक्शन दिखाऊंगा और उसके आसपास के जो डेवलपमेंट्स है वो भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा है उसी के नीचे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा। अगर रेड कलर का बटन दिख रहा है तो उस सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक उसी के राइट हैंड साइड पे आपको एक घंटी का आइकॉन दिखेगा, उस बेल बटन पे भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे होगा ये कि जब भी मैं नया वीडियो डालूं और जो भी अपडेट्स मैं डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए, ये जो आप एलिवेटेड सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ ये वाला पोर्शन, ये जो है ये फुट ओवर ब्रिज है। यानी कि इससे होगा क्या कि फ्यूचर में आप इस पोर्शन से जो कि सेक्टर 100 है यहाँ पे, यहाँ से फुट ओवर ब्रिज में आप ऊपर चढ़ेंगे, और फुट ओवर ब्रिज में चढ़ने के बाद आप ये वाला जो सेक्शन है राइट हैंड साइड वाला, यहाँ पे आप ये जो पिलर्स देख रहे हैं इसमें भी फुट ओवर ब्रिज होगा जिसके थ्रू आप नीचे स्लोप से उतर जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ से जाएंगे तो सेक्टर 99 से, तो आप फुट ओवर ब्रिज लेके रोड को यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये एग्जैक्टली जो पैकेज 3 और पैकेज 4 है उसके इंटरसेक्शन में ये बना हुआ है। यहाँ पे जो फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं उसके इस तरफ जो है वो पैकेज 3 है और गुड़गांव के सेक्शन का, और फुट ओवर ब्रिज के दूसरे तरफ वो पैकेज 4 है गुड़गांव के सेक्शन का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फुट ओवर ब्रिज को जो है एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा जोड़ दिया गया, अब इसमें स्लैब कास्टिंग होगी और इसके ऊपर फिर फुट ओवर ब्रिज को बनाया जाएगा। ये देखिए, मैं आपको ऊपर से भी व्यू दिखा देता हूँ, पूरा जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये फुट ओवर ब्रिज का काम यहाँ पे हो गया, सारे पिलर जितने भी पिलर हैं यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज वाले वो सारे बन चुके हैं यहाँ पे। देखिए, 1, 2, 3, 4 पांचों पिलर बन गए हैं, और ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं यहाँ सामने, देखिए ये जो सारे आपको पिलर दिख रहे हैं इन पिलर से फुट ओवर ब्रिज में ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए सपोर्ट के लिए बनाया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इधर देखिए, तो यहाँ पे भी फुट ओवर ब्रिज जो है, देखिए इनके पिलर को यहाँ पे कास्ट कर दिया गया है। कुछ पिलर हैं जैसे कि यहाँ पे इस सेक्शन में अगर आप पिलर देखेंगे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे अभी पिलर की कास्टिंग हुई है नीचे से, ऊपर वाला जो हिस्सा है पिलर का अभी वो कास्ट नहीं हुआ है पूरा। जैसे यहाँ वाले पिलर को आप देखिए, इसे पूरा कास्ट नहीं कर किया गया अभी तक, तो एक्सपेक्टेड है कि बाई अगस्त एंड तक ये भी कास्ट हो जाएगा। ये जो पानी वाला देख रहे हैं ये वाटर रिजर्वायर है यहाँ का सेक्टर 100 में, देखिए,
और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये वाटर रिजर्वॉयर और हाई राइज अपार्टमेंट के बीच में एक रेलवे ट्रैक जाता है यहाँ पे। तो रेलवे ट्रैक के सामने की तरफ, मतलब जहाँ पे आप वाटर रिजर्वॉयर देख रहे हैं, ये सेक्टर 100 है, और रेलवे ट्रैक के पीछे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं, ये सारा का सारा सेक्टर 37D है यहाँ पे। और इसमें से ये वाले जो अपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल, जिसे डेमोलिशन के ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो इसे खारे पानी से बना दिया गया था शायद, तो मे बी इसकी वजह से डेमोलिशन के ऑर्डर आए हैं। तो ये जब भी डेमोलिश होगा तो आपको न्यूज़ के थ्रू ये पता चल ही जाएगा। पीछे इसके अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, देखिए ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारा का सारा रामप्रस्था सिटी है, जिसमें से कुछ पार्ट रेडी हो चुका है और कुछ पार्ट जो है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। सेक्टर 37D है ये। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये छोटा वाला आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अफोर्डेबल हाउसिंग का बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे सेक्टर 37D में। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये AMB सेल्फी स्क्वायर मॉल है यहाँ सामने, ये देखिए सेक्टर 37D में। और ये जो पूरा रोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये जो पूरा आपको रोड दिख रहा है, ये बसई का रेलवे ब्रिज है जो नया वाला है। जो पुराना रेलवे ब्रिज है वो आपको सेक्टर 101 और सेक्टर 100 के डिवाइडिंग रोड पे है यहाँ पे। ये देखिए मैं और लेफ्ट मुड़ता हूँ, मतलब मैं दिल्ली की तरफ अब फेस करूँगा। देखिए ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली ये जो आपको व्हाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, देखिए इसी के पास से रास्ता जो है हीरो होंडा चौक की तरफ जाता है। पुराना वाला बसई का रेलवे ब्रिज है, 1/1 लेन का है, उसे अब एक्सपैंड नहीं किया जाएगा। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएं तो हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ चले जाएंगे। सामने हेरिटेज मैक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में ओकस मेडली है कमर्शियल, और इसके पीछे जो है वो सारा का सारा सेक्टर 99 है। ये पूरा सेक्टर 99 है यहाँ पे। और पीछे ओकस मेडली के पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, वो सेक्टर 102 के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, ये सेक्टर 104 के हाई राइज बिल्डिंग है ये वाले। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इस डायरेक्शन में मूव करके दिखाऊं, देखिए मैं वापस यहाँ से पटौदी रोड की तरफ डायरेक्शन वाले पे मूव करता हूँ। अब मेरे यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 99 है, ये जो हाई राइज अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ये वाला, ये एसोटेक ब्लिथ है। इसका भी मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था, काफ़ी टाइम से ये प्रोजेक्ट स्टक था लेकिन अब इसमें फुल फ्लेज काम शुरू हो चुका है। तो जो भी होम बायर्स हैं उन्होंने जब वो वीडियो देखा तो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने मुझे मैसेज किया, कमेंट भी किया उस वीडियो पे। आप भी चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये एसोटेक ब्लिथ सेक्टर 99 में, इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है। यहाँ राइट हैंड साइड में ये जो पूरा आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है सेक्टर 99 का। हालांकि इसका कनेक्टिविटी यहाँ मेन द्वारका एक्सप्रेस के साथ नहीं होगा प्लॉटेड डेवलपमेंट का, वो सेक्टर रोड के थ्रू ही होगा। अब यहाँ से अगर मैं आगे जाऊँ इस जगह से, तो ये बसई का रेलवे ब्रिज आ जाएगा यहाँ से। ये पैकेज 3 को मैंने क्रॉस किया और पैकेज 4 में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए बीच में डिवाइडिंग रोड्स बना दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी क्रॉसिंग्स बना दिए गए हैं यहाँ देखिए, और उसको कलर भी कर दिया गया। बैरिकेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये रेड वाले जो बैरिकेड्स है टेम्प्रेरी बैरिकेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे विंग्स रखे हुए हैं, देखिए ये वो विंग है जो आगे बसई का रेलवे ब्रिज बन रहा है जो NHAI बना रही है, वहाँ पे ये एलिवेटेड रास्ते के जो विंग्स होंगे वो यहाँ पे लाके रख दिए गए हैं यहाँ। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए एक JCB मशीन यहाँ पे काम कर रही है, तो एक पानी का पाइपलाइन डाला जा रहा है और CNG पाइपलाइन डाला जा रहा है। ये जो पतले वाले आप यहाँ पे पाइप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो मोटे वाले पाइप है ये तो पानी के लिए है, लेकिन इसके साथ जो पतले वाले पाइप आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये पूरा पाइप यहाँ पे और ये पूरा पाइप यहाँ पे, देखिए ये देखिए कहाँ तक है ये पाइप। तो ये पानी के पाइपलाइन के साथ साथ जो PNG है
उसका पाइप यहाँ पे डाला जा रहा है। तो इससे जो है पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल पंप में सीएनजी का सप्लाई होगा। ये जो 103 सेक्टर में पेट्रोल पंप है उसके लिए, और 102 सेक्टर में जो पेट्रोल पंप है उसके लिए फ्यूचर में यहीं से कनेक्टिविटी होगी सीएनजी की। और ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये देखिए, ये है फुट ओवर ब्रिज। ठीक फुट ओवर ब्रिज के पास हूँ मैं, और यहाँ से राइट हैंड साइड में यानी कि इस तरफ ये फेज 3 है, यानी कि पैकेज 3 है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का। और यहाँ यानी कि इस तरफ ये पैकेज 4 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। अब यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊँ, देखिए वसई के रेलवे ब्रिज की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 99 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 100 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज से कम 4-5 महीने पहले, उससे भी पहले यहाँ पे जो स्टील गर्डर्स लगने थे रेलवे ब्रिज के ऊपर, तो ये सामने आपको स्टील गर्डर्स दिखेंगे रखे हुए। ये वही स्टील गर्डर्स हैं जो रेलवे ब्रिज के ऊपर लगेंगे। एक पोर्शन है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर आएगा, तो उस रेलवे ट्रैक के ऊपर वाले पोर्शन में यही वाले स्टील गर्डर्स लगेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाले, और यहाँ से रैंप होगा जाने का। इस सेक्शन से जो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप आगे की तरफ जाएंगे, तो आप यहाँ से पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन की तरफ चले जाएंगे। बैटरी डाउन हो गई ड्रोन की, तो अब उसका अलार्म बजना शुरू हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे लेफ्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो रैंप का काम चल रहा है। ये देखिए रैंप का काम चल रहा है। तो ये रोड इतनी चौड़ी होगी, और यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम आप देख रहे हैं, इसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों जगह विंग्स को लगाया जाएगा, और विंग्स को लगाने के बाद ये रास्ता इतना ही चौड़ा हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे तो अभी विंग लगाने का काम नहीं शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पे विंग लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए विंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है इस जगह पे। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे विंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच में रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक वाला जो पोर्शन है उसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।